तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था लूप के बारे में, आज भी हम लूप के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, राइट? तो चलिए हम लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। कुछ इंटरव्यू से पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग एग्जाम्स में, जो कि हमने आपके लिए बनाया हुआ है। लूप एंड नेस्टेड लूप की बात हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो कि बराबर इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोग्रामिंग किसी प्रोग्रामिंग एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का आकृति आपको बनाना है लूप की माध्यम से। ठीक है, तो कैसे बनेंगे? तो देखिए, इसमें रो हमारा 5 बार है, राइट? तो रो 5 बार है, तो यहां पे हम सब्जेक्ट, और माफ कीजिएगा, आर के जगह पे लूप दे देते हैं। और यहां देंगे 4i, मतलब i मान लीजिए, r ले लीजिए, r 4r इक्वल टू चले 1 2 5 टाइम, और नेक्स्ट। और दूसरा कॉलम भी हमारा मैक्सिमम 5 टाइम है, लेकिन फिक्स नहीं है ये। पहले में पहली बार चला है, दूसरे में 2 कॉलम है, तीसरे में 3 कॉलम है, चौथे में 4 कॉलम है, और पांचवे में 5 कॉलम है। मतलब कि अगर रो 1 है तो कॉलम 1 ही चला है मैक्सिमम, अगर रो 2 है तो कॉलम 2 टाइम चला है, एंड रो 3 है तो कॉलम 3 टाइम चला है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि 4c इक्वल टू कर रहे हैं 1 2 r, और नेक्स्ट, और इसके बीच में लिख रहा है रेंज नहीं, यहाँ पे सेल्स, सेल्स आर कॉमा सी डॉट वैल्यू इक्वल टू इधर, राइट? अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर। टाइप हो गया, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एंड पेस्ट एज ए पिक्चर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये डाउट अजय जी, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, तो हमने यहाँ पे फोर लूप का इस्तेमाल किया इसमें। अब मैं थोड़ा सा आकृति चेंज करता हूं कि दूसरा लूप जो बनाना है, मैं चाहता हूं कि इस ये क्या है आपका, लेफ्ट से राइट गया हुआ है ना? अब मुझे इस तरह का बनाना है, इस तरह का, इसको कॉपी कर लिया। इसके लिए तो मुझे ऐसा बनाना है, मतलब कि उल्टा चले, तो उसके लिए लूप यही रहेगा। लूप जो दिख रहा है आपको, ये लूप यही रहेगा, और मुझे यहां पे कॉलम जो करना है वो करना है 6 माइनस। अगर 6 माइनस कर देता हूं तो देखेंगे आप लूप में कि इस तरह से बन रहा है। और मुझे चाहिए कि भाई दोनों को भी कंबाइन कर ले,
इस तरह का, ताकि पिरामिड बन सके। तो इन दोनों मैक्रो को हम कंबाइन कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं ना इसको, इसको कॉपी करके हमें इसके अंदर डालना है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, फाइव प्लस कर देते हैं इसको। तो ये क्या होगा कि ये अच्छा पांचवें से इधर टाइप करेगा और ये पांचवें से इधर टाइप करेगा कॉलम से। तो देखिए ठीक है, समझ में आया सर? ये हमारा पिरामिड बन गया। तो पिरामिड बनाने के लिए आपको मोस्टली एग्जाम, जो भी आप प्रोग्रामिंग एग्जाम देते हैं, चाहे वो वीवी हो, सी प्लस प्लस हो, या फिर किसी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इस तरह की आकृति आप बना देते हैं, इसका मतलब कि आपको लूप क्लियर है। ठीक है सर? अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। मुझे अब उल्टा करना है, तो मतलब मुझे पिरामिड जो बनाना है, ये तो ऐसा है ही, लेकिन मुझे मान लीजिए कि पिरामिड कुछ इस तरह का बनाना है, तो क्या कैसे बनाए इस तरह का पिरामिड? तो कॉलम तो सेम रहेगा, मुझे रो जो है यहाँ पे सिक्स प्लस कर देना है, फाइव प्लस कर देना है। नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, अगर इसको मैं एक बार हटा देता हूं, इसमें क्या है कि ये पहले पांच बार चलेगा, फिर चार बार, फिर तीन बार, फिर दो बार, फिर एक बार। तो लूप को ही मुझे यहां पे करना है, कौन सा लूप का, इस लूप को। तो उस केस में मैं यहां पे कर देता हूं, सिक्स माइनस आर। अब इसको प्ले करते हैं, और सर लूप टू नहीं है, लूप थ्री है। ठीक है, इस तरह से इसका बना सकते हो। तो ये तो पिरामिड के साथ छेड़छाड़ खेलना हुआ, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया है, समझ में आ गई आप लोगों को। अब अगला है कि मैं अपना नाम लेता हूं। अब मुझे अपने नाम को भी एवलेट करना है, जैसे कि मैं यहां करना चाहता हूं SUJEE, एक एक लेटर को कम करना चाहता हूं। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है, इंटरव्यू में पूछा गया, समझे? चलिए, तो इसके लिए हम करते हैं। तो सब्जेक्ट लूप फोर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां देते हैं इसको, यहां पे डिम एन एज ए स्ट्रिंग जिसपे नाम स्टोर होना है, और एन इक्वल टू मैं अपना नाम स्टोर कर, फिर फोर लूप लगेगा कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू लेन। लेन एक फॉर्मूला होता है जो कि लेंथ निकालता है एन की, तो मुझे यहां पे एन की लेंथ आ जाएगा।
और फिर नेक्स्ट आई, और रिजल्ट हमें निकालना है के इक्वल टू, चाहे हम यहां पे लिख देते हैं सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू, आई कॉमा वन डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैं यहां से लेफ्ट लेता हूं, लेफ्ट एन कॉमा इसकी कंप्लीट लेन में से माइनस हो जाएगा आई एवरी टाइम, ठीक है। अब इसको प्ले कीजिए, तो जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हो। हाँ, यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे एस यू जे सुजीत नहीं रहा, क्योंकि मैंने लूप वन से स्टार्ट किया। हम लूप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो फिर एक बार माफ कीजिएगा, हम लूप जीरो से स्टार्ट नहीं, हम लूप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, हाँ यहां पे मुझे प्लस वन करना पड़ेगा। लूप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रो तो जीरो नहीं हो सकता ना, ठीक है सर। तो इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिरामिड बनाने के लिए, इस तरह का आकृति बनाने के लिए, नेम को इस तरह से तोड़ने के लिए, ठीक है। अभिषेक सिंह जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस जी सर, पूछे जाते हैं, जी आप भी चाहो तो इसी तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि तो आगे चल के जब इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो पूछा जा सकता है। मैंने मुझसे कई बार पूछा गया है। दूसरा चीज है कि मैं एमसीए बीसीए एमफिल सारे एग्जाम्स में लूप से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे ही गए हैं मुझसे। हाँ, सीट नेम कौन सा हो, लास्ट क्लासेस की लास्ट जो एग्जाम्पल थी आप लोगों ने करके भेजा है नहीं मुझे, लास्ट एग्जाम्पल जो था उसमें से किसी ने कुछ भेजा है नहीं। अरे वो हुआ नहीं था। नहीं हुआ तो ट्राई किया हो तो सीट भेज दो मुझे, मैं कैसे देखूंगा कि नहीं हुआ हुआ उसकी, एक भेजो तो सही कि आपने ट्राई किया है, कहां पे गलत कर रहे हो, आपने ऐसे बोल दिया नहीं हुआ, एटलीस्ट ट्राई जो किया है उसमें कुछ कुछ सीट तो भेजो, ताकि मुझे पता तो चले कि आप कहां पे क्या गलती कर रहे हो, जिससे आपका कोड वर्क नहीं कर रहा है, आपका इफेक्ट नहीं हो रहा क्या। ये गलत चीज है, नहीं होता है कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता कि हर एक चीज करके ही दे रहा है आपको, नहीं हुआ तो मुझे आप जो है वो सीध दो जहां पे आपने किया है, जहां जिससे ताकि बताऊं कि हाँ आप यहाँ पे ये चेंज करते, चाहे यहाँ पे ये चीज ऐड करते तो आपका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है सर, क्या मतलब आगे से सारी सीट मिल रही। हाँ ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे गलती हो रही है आपकी। और हाँ, वो जो फाइल जो बोल रहे हैं आपको उसका सोल्यूशन मैंने एक नाइट वाले बैच में कर दिया है, वो भी आपको मेल कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग्स में